तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चंद खुशी के लिए किसी को छोड़ देते हो तो पल भर की खुशी तो आपको मिलेगी, लेकिन उस खुशी के पीछे ना जाने आपको कितने दिनों तक रोना तड़पना हो सकता है। तो जैसे कि हम अभी कुछ ड्रामा, कुछ कहानी के बारे में बात करेंगे, और आप लोगों से मैं ये एक छोटा सा विनती है कि इस वीडियो को तो मैं बनाऊंगा ही, मतलब कि जो मेरा एक टॉपिक है जो मैं आपको बात करने वाला हूँ, आज का ड्रामा में क्या होने वाला है, कहानी क्या कहाँ गई है, ये सारी चीज़ें जो बात करने वाला हूँ, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। उनसे पहले एक आपको आप लोगों से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग का चैनल को मैं बार बार बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ कि आप लोग जाओ देखो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, बट यार आप लोग नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं दिख रहा है, आप लोगों ने शायद क्लिक करके नहीं देखा होगा। तो मैं अभी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा अपने ब्लॉग वाला, वर्मा जी का ब्लॉग्स, आप लोग YouTube पर जाके सर्च भी करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख रहते हैं। तो आप लोग जाइए वहाँ पे और वीडियो को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा ना नहीं लगता हो तो कोई बात ही नहीं है कि भाई जिसको जो पसंद है वही करेगा। तो मुझे बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएँ देखें। मुझे जिस तरह से आप लोग यहाँ पे प्यार दे रहे हो, जिस तरह से आप लोग यहाँ प्यार करते हो, उसी तरह से आप लोग वहाँ पे मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर यहाँ के हिसाब से अगर वहाँ पे आप लोग 5% भी मुझे सपोर्ट करोगे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और आप लोगों का सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा हम ज्ञान ना देने की कोशिश करेंगे, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर करना। और हम बात करते हैं अब चलिए कुछ कहानी के बारे में। जैसे कि अभी जो एपिसोड चल रहा है उस कहानी में ये देखने को मिलता है कि ऋषि जो है वो सबसे पहले पारो से मिलता है आकर, और उनसे बहुत सारी बातें होती है। वो बहुत ऋषि जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि पारो को इतनी अच्छी जो शिक्षा मिली है, संस्कार, बच्चों को आप जिस रूप में ढालोगे बच्चे उसी तरह के व्यवहार संस्कार सीखेंगे। जैसे मिट्टी की सुराही को जब बनाते हैं ना, तो जिस तरह से उस मिट्टी को करके वैसे आकार बना के जिस तरह से वो रखेगा, जिस तरह बनाएगा, सेम वैसा ही बनता है। तो बच्चे भी वैसे ही है, जिस रूप में आप उनको ढालोगे वो बच्चा उसी रूप में ढलता जाएगा। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी जो है वो पारो को इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाया है, ऐसे स्कूल में उसको पढ़ाया है और शिक्षित बनाकर अपनी पढ़ाई रही है। ये भी तो छोटी बच्ची है जो कि उसके अंदर इतना ज्ञान है ना, जो कि वो अपनी बातों से बड़े बड़े लोगों को हरा देती है, इतनी टैलेंट है बात करने में। तो ऋषि जब उनसे मिलता है ना, तो उनके अंदर समझ में ही नहीं आता है कि मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ या किसी बड़े बुजुर्ग आदमी से बात कर रहे हैं। लक्ष्मी इनको कितना ज़्यादा वो किया है, संस्कार दिया, उनके अंदर भर दिया है, ये सारी बातें होती है। लेकिन ऋषि जो है उनसे बात विचार करता है, ढेर सारा प्यार भी मिलता है, और लक्ष्मी जो है उनको फसल सारे लोग गाँव में लगाते हैं, तो सारे गाँव का जो फसल होता है ना उनसे सबसे टॉप क्लास में जाता है लक्ष्मी का फसल। और लक्ष्मी इतनी मेहनत करके बनाती है जो कि उनका फसल एकदम एक नंबर में रहता है, ठीक है। तो उनके लिए सारे गांव वाले तो खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके जो अपोजिट में जो उनके विरुद्ध चल रहे हैं, जो वो नेता वेता क्या है उनका नाम मुझे पता नहीं, वो उनको बोलता है कि लक्ष्मी से तो मैं शादी करूँगा और उनकी जितने भी फसल है ना वो सारा फसल आपका होगा, और मैं उनको अपने आप में एक जिस तरह पूरा समर्पित हो जाता है ना, मैं वैसा कर दूंगा।
तो देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग बने रहें, वीडियो को देखें, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। ज़्यादा लंबा ये वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ मैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो को देख के मौज कर सकें, एंटरटेनमेंट कर सकें और ढेर सारा प्यार। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल।